हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एमएसटी सीईटी 2023 के प्रिपरेशन में पहला वीडियो बना रहे हैं। और ये जितने भी क्वेश्चंस हम करेंगे, ये है चैप्टर मोशन इन प्लेन के 2022 के आए हुए क्वेश्चंस, राइट। तो एक एक करके हम सारे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, लेट अस बिगिन। और ऑलमोस्ट 24 क्वेश्चंस अलग अलग पेपर में पूछे गए थे और सारे के सारे मैंने सॉल्व किए। लेट अस स्टार्ट। अ बॉडी कवर्स हाफ ऑफ इट्स डिस्टेंस विद स्पीड यू एंड द अदर हाफ विद स्पीड वी। द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी इज, मतलब पहला हाफ डिस्टेंस, मतलब समझो अगर बॉडी कोई डिस्टेंस एस चला होगा, इफ द बॉडी हैज मूव्ड बाय डिस्टेंस एस, तो इसमें आधा डिस्टेंस एस बाय टू वो कौन से स्पीड में चला, यू के स्पीड में, और बाकी का जो एस बाय टू डिस्टेंस था वो कौन से स्पीड में चला, वी। तो एवरेज पूछा हुआ है। अब कुछ बच्चों ने इसको डायरेक्टली याद किया होगा और वो जानते हैं कि आंसर ए है, राइट। जैसे कि तुमको पढ़ाया जाता है कि इफ अ बॉडी कवर्स हाफ द डिस्टेंस विद द स्पीड वी वन एंड द अदर हाफ डिस्टेंस विद द स्पीड वी टू, तो एवरेज स्पीड होगा 2v1v2 अपॉन v1 + v2, राइट। तो उस हिसाब से आंसर तो सीधा सीधा ए लिखा जा सकता है। बट मैं बता भी देता हूँ कि आंसर आता कैसे। एक्चुअली एवरेज स्पीड की फॉर्मूला होती है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हुआ, एस बाई टू प्लस एस बाई टू, और टाइम को मान लेते हैं। देखो यहाँ पे पहले एस बाई टू में स्पीड अलग है और दूसरे एस बाई टू में स्पीड अलग है, राइट। इसलिए टाइम सेम नहीं लगेगा। तो पहले वाले डिस्टेंस को ट्रैवल करने में जो टाइम लगा उसे T1 मान लेते हैं और दूसरे वाले में T2 मान लेते हैं। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस को S/2 + S/2 और टाइम को T1 + T2। और टाइम का मतलब क्या होता है, टाइम इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ये जो टाइम T1 लिखा हुआ है, यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड कितना था S/2 और स्पीड कितना था u, तो ये हो गया S/2 / u और ये हो गया S/2 / v। तो अब मैं इसे सब्सटीट्यूट कर देता हूं यहाँ पे, और अब तो कुछ नहीं, S/2 को कॉमन लेके कैंसिल करके आंसर आएगा 2uv / u + v, जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कहता है अ प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड हैज अ इनिशियल वेलोसिटी u। तो इनिशियल वेलोसिटी u दी हुई है एंड इट्स डायरेक्शन मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो ये जो ये यू है वेलोसिटी और ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा, ठीक है। उसके बाद में इफ एट मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड मतलब एच मैक्स, मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट, जैसे कि ये ए वाला पॉइंट, यहाँ पे ना उसकी स्पीड दी हुई है कि ऐसा बोला गया कि द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज हाफ ऑफ द इनिशियल स्पीड, मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो स्पीड है वो इनिशियल वाले की हाफ है। अब टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड होती कितनी है, देखो हम जानते हैं टॉप मोस्ट स्पीड पे स्पीड होती है यू कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल स्पीड होती है यू कॉस थीटा, वर्टिकल स्पीड जीरो होती है, राइट। तो ये दिया हुआ है कि यू कॉस थीटा इनिशियल वेलोसिटी यू की हाफ है, ठीक है, यू कॉस थीटा इनिशियल वेलोसिटी की हाफ है। पूछा हुआ है व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच्ड। अब चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहले तो डेटा दिया हुआ है कि u cos थीटा इज हाफ ऑफ u, इससे cos थीटा निकल जाएगा हाफ और थीटा हो जाएगा 60। अब एच मैक्स का तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम जानते हैं, एच मैक्स का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g, sin थीटा, थीटा को हम 60 डिग्रीज डाल देंगे तो सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 3u² / 8g, विच इज ऑप्शन सी। तीसरा सम देखते हैं, ए पार्टिकल इज परफॉर्मिंग, ये तो बहुत बोनस सम है, बहुत ईजी है। पार्टिकल इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन अलॉन्ग अ सर्कल ऑफ रेडियस r इन हाफ द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इट्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हाफ द पीरियड मतलब क्या होता है, हाफ द पीरियड मतलब आधा सर्कल। तो जब वो आधा सर्कल चलेगा, आधा सर्कल चलेगा तो उसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। अब आधा सर्कल चलना मतलब क्या होता है, ए से स्टार्ट करेगा और ऐसे जाएगा ए सी बी, इसको बोलते हैं हाफ सर्कल चलना, राइट। अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट, जो है लेंथ ऑफ ए बी, जो कि 2 times ऑफ रेडियस या डायमीटर होता है। और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ ऑफ AB व्हिच इज 2r, और डिस्टेंस कैसे निकालोगे, लेंथ ऑफ द आर्क ACB, लेंथ ऑफ द आर्क ACB होगा हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस व्हिच इज पाई r। तो इसका ऑप्शन बी आंसर है। चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द रिलेटिव एंगुलर स्पीड ऑफ आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज, रिलेटिव स्पीड पूछा, रिलेटिव स्पीड मतलब डिफरेंस पूछा हुआ है। पहले तो एक बात बताते कि कौन सा वाला कांटा फास्ट घूमता है। देखो मिनट हैंड फास्ट घूमता है एज कंपेयर टू आवर हैंड, राइट। तो मिनट हैंड की एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द आवर हैंड। तो रिलेटिव स्पीड मतलब सब्ट्रैक्शन होता है, तो हमको किसको सब्ट्रैक्ट करना है, किसके साथ, ओमेगा मिनट माइनस ओमेगा आवर, क्योंकि ओमेगा मिनट ओमेगा आवर हैंड से ज्यादा होती है।
ओके, तो ओमेगा रिलेटिव मतलब ओमेगा मिनिट हैंड माइनस ओमेगा आवर हैंड, राइट। अब ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2π/T। तो 2π/T, यहाँ पे टी मिनिट और यहाँ पे टी आवर, राइट। अब टी मिनिट कितना होता है, देखो हमको आंसर है ना रेडियन पर सेकेंड में चाहिए, तो तुमको ये टाइम जो टाइम पीरियड है वो सेकेंड्स में लिखना है। अब मिनिट वाला जो सुई है राइट, उसको एक राउंड मारने के लिए 60 मिनट्स लगते हैं या 60 × 60 सेकेंड्स लगते हैं, राइट। और आवर वाले को 12 × 60 × 60, 12 आवर्स या 12 × 60 × 60। बस अब उसके बाद में कैलकुलेशन है, 2π/60 × 60 कॉमन ले लिया और सॉल्व कर दिया तो आंसर आया 11π/21,600, विच इज ऑप्शन नंबर ए। अगले सम की तरफ चलते हैं। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनिट हैंड, मतलब ओमेगा पूछा हुआ, एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा ऑफ मिनिट हैंड इन डिग्री पर सेकेंड। अब रेडियन पर सेकेंड में नहीं निकालना है आंसर, डिग्री पर सेकेंड में। तो देखते हैं ओमेगा, ओमेगा का सीधा सीधा फॉर्मूला है 2π/T, और मिनिट हैंड का टाइम पीरियड कितना होता है, 60 मिनट्स या 60 × 60 सेकेंड्स, राइट। 3600 हो गया। अब ध्यान से सुनना, अब ये जो पाई है ना, ये जो पाई, इसलिए आंसर ये रेडियन पर सेकेंड में, जबकि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि आंसर डिग्री पर सेकेंड में चाहिए। तो रेडियंस को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई विथ 180/पाई। तो अगर 180/पाई से मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर आता है 0.1 डिग्री पर सेकेंड। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 540 किलोमीटर पर आवर। इस किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे, राइट। एट अ हाइट ऑफ 1960 मीटर, व्हेन इट इज वर्टिकली अबव द पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड, अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम इट, द बॉडी स्ट्राइक्स द ग्राउंड एट बी, द डिस्टेंस ए बी। अब डिस्टेंस ए बी पूछा हुआ है, देखो डिस्टेंस ए बी मतलब रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, और हम ये भी जानते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज का फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखना है, एंड द फॉर्मूला इज रेंज इज इक्वल टू U√2h/g, U√2h/g। h हमको पता है, देखो 1960 मीटर h दिया हुआ है, u तो हम जानते हैं 540 किलोमीटर पर आवर, जिसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, राइट। तो अगर ये सब कर लिया जाए तो आंसर आएगा, देखो ये सब कैलकुलेशन क्या हुआ है यहाँ पे देख लेना आप लोग, आंसर आता है 3000 मीटर, विच इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ बॉब ऑफ मास m मूव्स इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस r विद स्पीड v हैविंग लेंथ l, ओके, डिस्क्राइब्स अ कोन ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल थीटा। देखो इतना पढ़ने के बाद क्लियर हो जाना चाहिए कि ये कौन सा क्वेश्चन है, दिस इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन कोनिकल पेंडुलम, द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब डायग्राम बना लेते हैं कोनिकल पेंडुलम का। अगर कोनिकल पेंडुलम के डायग्राम को ध्यान से देखा जाए तो पता चलता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, टी साइन थीटा, ये जो टेंशन है इसका सेंट्रीपिट, इसका एक कंपोनेंट होगा जो सेंटर की तरफ होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स टी साइन थीटा, और ये टी कॉस थीटा जो है इट इज इक्वल टू एम जी, ये वेट को बैलेंस करता है। तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू वेट एम जी। तो अगर टी कॉस थीटा एम जी है, अगर टी कॉस थीटा एम जी है, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, अगर टी कॉस थीटा एम जी है, देखो मुझे टी नहीं चाहिए, राइट, फॉर ऑप्शन देख लो टी नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, टी के जगह पे लिखूंगा एम जी अपॉन कॉस थीटा। तो अगर टी के जगह पे एम जी अपॉन कॉस थीटा लिखो तो बनेगा एम जी टेन थीटा, ओके। और टेन थीटा इस ट्रायंगल से निकाला जा सकता है, टेन थीटा इज अपोजिट साइड जो कि रेडियस है अपॉन एडजेसेंट जो कि एच है, और एच भी ऑप्शन में नहीं है, राइट। तो हमको एच को एल और आर के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, जो होगा रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए पार्टिकल परफॉर्मिंग यूसीएम ऑफ रेडियस पाई बाय 2 मीटर मेक्स एक्स रेवोल्यूशन इन टाइम टी। अच्छा ओके, अब देखो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 सेकेंड या नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर यूनिट टाइम, ओके। तो एक्स रेवोल्यूशन इन टाइम टी मतलब फ्रीक्वेंसी होगी एक्स बाय टी, टेंजेंशियल वेलोसिटी, ठीक है। देखो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर यूनिट टाइम, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होगी एक्स बाय टी, एक्स बाई टी। और एक बार फ्रीक्वेंसी मिल गया तो v इक्वल टू आर ओमेगा कर लेते हैं, r पाई बाई टू, ओमेगा 2π, n की वैल्यू x बाई टी है, सब्सटीट्यूट कर लो आंसर आ जाएगा। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ए बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड हैज अ कांस्टेंट। देखो मोमेंटम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये तीनों डायरेक्शन में चेंज होते हैं, तो इसलिए वो कांस्टेंट नहीं हो सकते, क्योंकि कांस्टेंट होना मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में कांस्टेंट होना, राइट। तो ये मोमेंटम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन तो हमेशा डायरेक्शन में चेंज होते हैं, तो वो तो आंसर नहीं हो सकता, वो कांस्टेंट नहीं हो सकते। हाउएवर काइनेटिक एनर्जी जो है वो सिर्फ स्पीड पे डिपेंड करता है, और स्पीड कांस्टेंट होता है,
इसलिए काइनेटिक एनर्जी कॉन्स्टेंट होगा, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन मास एंड स्पीड, और मास और स्पीड दोनों ही कॉन्स्टेंट है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी यूसीएम में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कॉन्स्टेंट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ शेल फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज टू द हॉरिजॉन्टल विद द वेलोसिटी ऑफ 196 द टाइम ऑफ फ्लाइट इज, ये तो एकदम आसान सा है, टाइम ऑफ फ्लाइट का सीधा सीधा फॉर्मूला है 2u sin theta by g, 2u sin theta by g, आप सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, आंसर आ जाएगा, राइट। सो इसका आंसर आएगा 20 seconds। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बॉडीज ऑफ मासेस m एंड 3m आर रोटेटिंग इन हॉरिजॉन्टल सर्कल्स ऑफ रेडियस r एंड r by 3। द टेंजेंशियल स्पीड ऑफ द बॉडी ऑफ मास m इज n टाइम्स द वैल्यू ऑफ हेवियर बॉडी, मतलब जो लाइट वाली बॉडी m वाली बॉडी है जिसकी मास m है, उसकी वेलोसिटी हेवियर वाले के n टाइम्स के बराबर है, राइट। और सेंट्रीपिटल फोर्स सेम है, तो n की वैल्यू कितनी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो पहले तो ये मैंने डेटा लिख दिया, m1 m2 r1 r2 और v1 n v2 है, राइट। दिया हुआ है क्वेश्चन में कि वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट, स्पीड ऑफ द फर्स्ट बॉडी इज इक्वल टू n टाइम्स द स्पीड ऑफ द सेकंड बॉडी। अब सेंट्रीपिटल फोर्स सेम है दोनों का, तो मैं लिख सकता हूं m1 v1 square r1 इज इक्वल टू m2 v2 square r2। सभी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, जो कैंसिल हो सकते हैं कैंसिल कर लो, और आंसर आएगा n का 3, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टावर ऑफ हाइट h, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसको डिफिकल्ट माना जा सकता है। ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट h, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल इन द लास्ट सेकंड इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन द फर्स्ट 3 seconds। मतलब जितना वो लास्ट सेकंड में कवर कर रहा है ना, उतना वो पहले 3 सेकंड में भी कवर कर रहा था, राइट। क्योंकि जैसे जैसे बॉल नीचे गिरेगा उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, तो आखिरी वाले सेकंड में वो जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, विच इज दैट इज सेम एज जो पहले 3 सेकंड में उसने कवर किया था। द वैल्यू ऑफ एच इज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच, पहले तो मैं डेटा लिख देता हूँ कि डेटा मुझे ये दिया हुआ है कि डिस्टेंस कवर्ड इन द लास्ट सेकंड, जिसे मैं nth सेकंड मान लेता हूँ, इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 3 seconds। अब देखो nth सेकंड में डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला अलग है, और डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम टी का फॉर्मूला अलग है। टाइम टी में हम क्या यूज करते हैं, डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम टी का फॉर्मूला होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यहाँ पे a के जगह g लिखा जाएगा, तो ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। और यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकंड का फॉर्मूला होगा u प्लस a बाय 2 ब्रैकेट में 2n माइनस 1, राइट। तो ये दोनों फॉर्मूला थोड़े अलग अलग है, राइट। तो ये मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया, बस a के जगह पे g आएगा बिकॉज इट इज मोशन अंडर ग्रेविटी। u तो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, सब सब्सटीट्यूट करके सॉल्व किया तो n की आंसर आ गई 5। मतलब ये पता चल गया कि आखिरी सेकंड मतलब पांचवा सेकंड, फिफ्थ सेकंड। इसका मतलब ये भी होता है कि स्टोन 5 सेकंड तक नीचे गिर रहा था, तो अगर स्टोन 5 सेकंड तक नीचे गिर रहा था तो ऑब्वियस है कि वो 5 सेकंड ही डिस्टेंस कवर करेगा, तो हमें 5 सेकंड में वो कितना नीचे गिरा वो निकालना है, उसी को h बोलेंगे, राइट। h की फॉर्मूला है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और t को 5 सेकंड डाल दिया, u 0 था, g 10 ले लिया, सॉल्व कर लिया, आंसर 125 meters। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टू बॉल्स a एंड b आर प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 एंड 60, तो थीटा 1 को 45 मान लो, थीटा 2 को 60, उनकी मैक्सिमम हाइट सेम है, एच मैक्स दोनों की सेम है। द रेशियो ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल ए टू दैट फॉर द बॉल बी इज, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी की रेशियो चाहिए हमें, तो देखते हैं। दोनों का एच मैक्स तो सेम है, तो एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, और 2g कैंसिल हो जाएंगे जो, और u1 2g कैंसिल हो जाएंगे, और स्क्वायर रूट ले लो, तो स्क्वायर रूट ले लोगे तो क्या हो जाएगा, u1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू u2 साइन थीटा 2, और u1 अपॉन u2 इज साइन थीटा 2 बाय साइन थीटा 1। थीटा 2 भी हम जानते हैं, थीटा 1 भी जानते हैं, वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा √3/√2, विच इज ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए बॉडी इज जस्ट रिवॉल्व्ड इन अ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस r, व्हेन द बॉडी इज एट द हाईएस्ट पॉइंट द स्ट्रिंग ब्रेक्स, मतलब जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे तो स्ट्रिंग टूट गया, राइट। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी आफ्टर द स्ट्रिंग ब्रेक्स, अब मैं मान लेता हूं कि देखो ये जो सर्कुलर मोशन है वो इस सेंस में हो रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा था बॉडी, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्ट्रिंग टूट गया, तो बॉडी की डायरेक्शन क्या होगी, वेलोसिटी की, टेंजेंशियल, टेंजेंशियल, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी होती कितनी है, रूट ऑफ आर जी, ये तो हम जानते ही है। ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मुझे पता है, और वो कितना नीचे गिरेगी ये भी मैं जानता हूँ, देखो ये कितना नीचे गिरेगी, ये गिरेगी नीचे 2r, हाउ मच इट विल फॉल डाउन बाय व्हाट अमाउंट, इट विल फॉल डाउन बाय 2r, ठीक है।
तो अब तो देखो तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा हो गया, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, जहां पे यू की वैल्यू मैं जानता हूँ ठीक है, और एच की वैल्यू भी मैं जानता हूँ, और मुझे निकालना है रेंज, ये डिस्टेंस मतलब रेंज निकालना है, और रेंज की डायरेक्ट फॉर्मूला मैं अभी बता चुका था प्रीवियस सम में, यू रूट ऑफ 2h/g, यू रूट ऑफ 2h/g, जहां पे एच की वैल्यू है 2r, यू की वैल्यू है रूट ऑफ आर जी, सब्सटीट्यूट कर दो आंसर आ जाएगा, और आंसर आएगा रेंज का 2r, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ व्हीकल मूविंग विद 5 किलोमीटर 15 किलोमीटर पर आवर कम्स टू रेस्ट आफ्टर कवरिंग 5 मीटर डिस्टेंस व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड। इफ द सेम व्हीकल मूव्स एट 45 किलोमीटर पर आवर देन बाय अप्लाइंग द ब्रेक्स इट विल कम टू रेस्ट बाय कवरिंग अ डिस्टेंस। मतलब जब गाड़ी की स्पीड 15 किलोमीटर थी तो ब्रेक मारने पे 5 मीटर पे रुक गई, और 45 पे तो ऑफकोर्स ज्यादा डिस्टेंस कवर करके रुकेगी, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो पहले तो देखो रुकना मतलब फाइनल वेलोसिटी जीरो, तो मैं काइनेमेटिकल इक्वेशन लगाऊंगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई क्योंकि रुक गया गाड़ी। तो अच्छा माइनस इसलिए लिखा है ना, यू स्क्वायर माइनस 2as इसलिए लिखा है बिकॉज गाड़ी रुक रही है, इट इज अ केस ऑफ रिटार्डेशन राइट। तो मुझे ये पता चला कि डिस्टेंस टू विच अ बॉडी विल स्टॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। बस एक बार ये पता चल गया तो उसमें अब तो बहुत ही आसान हो गया सम, h2 अपॉन s1 विल बी इक्वल टू u2 अपॉन u1 का स्क्वायर। देखो हम u2 जानते हैं, u1 जानते हैं, s1 जानते हैं, तो h2 निकल आएगा 45 मीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टू बॉडीज, ये भी थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है ये, मतलब थोड़ा मुश्किल है बच्चों के लिए। टू बॉडीज a एंड b मूव इन द सेम स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पोजिशन। बॉडी ए मूव्स विद अ वेलोसिटी u एंड बी मूव्स विद द एक्सेलरेशन a। मतलब एक बॉडी तो कांस्टेंट स्पीड में चल रही है ए वाली बॉडी, और बी वाली एक्सेलरेशन के साथ चल रही है। जब उनकी वेलोसिटी सेम हो जाएगी ना तो डिस्टेंस कितना होगा दोनों के बीच में ठीक है। पहले तो ये पता करेंगे कि कितने टाइम के बाद दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। देखो एक तो ऑलरेडी चल रही है कॉन्स्टेंट स्पीड में और एक एक्सेलरेट हो रही है, मतलब एक की स्पीड बढ़ते जा रही है, तो कभी ना कभी तो दोनों की स्पीड सेम होगी। तो जब दोनों की स्पीड सेम होगी तो उनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा ठीक है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। देखो इसकी स्पीड थी कितनी, बॉडी ए की यू थी यू, और बी की इनिशियल स्पीड को जीरो मान लेते हैं। तो मैंने मान लिया कि बी की इनिशियल स्पीड जीरो है, और फाइनल कितना पहुंचना चाहिए, यू तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि यू ए की स्पीड है और बोला गया कि दोनों का स्पीड सेम होना चाहिए। मतलब फाइनली जो तुम्हारी बॉडी बी है उसका भी स्पीड कितना होना चाहिए, यू ही होना चाहिए। तो देख लेते हैं मैंने क्या किया, वी इक्वल टू यू प्लस एटी लगा लिया, टी मिल गया। तो ये वो टाइम है जिसके बाद दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। अब ये भी पता कर लेते हैं कि इतने स्पीड में ए कितना, इतने टाइम बाद ए कहाँ पे होगा और बी कहाँ पे होगा। तो देखो ए तो कांस्टेंट स्पीड में चल रहा है तो उसके लिए डिस्टेंस निकालना बहुत आसान है, s इक्वल टू vt, यही किया मैंने। देखो आगे आंसर यू स्क्वायर बाय ए, और बी के लिए मैं अलग फॉर्मूला लगाऊंगा बिकॉज बी कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन चल रहा है, स्पीड उसकी कॉन्स्टेंट नहीं है, तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ओके। और उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो थी, टाइम की वैल्यू यू बाय सब्स्टिट्यूट कर लिया। अब दोनों के बीच में दूरी पूछी हुई है तो बस डिफरेंस ले लो, ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ए है, ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बी है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, आंसर आएगा यू स्क्वायर बाय 2a, ऑप्शन नंबर बी राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एट एनी इंस्टेंट फॉर अ बॉडी परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन आर। ये डायग्राम में देख सकते हो कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हो नॉर्मल होते हैं राइट। अगला क्वेश्चन, ये रिपीट क्वेश्चन है इसे छोड़ दो। अ स्टोन ऑफ मास m इज टाइड टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l एंड मूव्ड इन अ वर्टिकल सर्कल एट द रेट ऑफ n रेवोल्यूशंस पर मिनट। बस ये याद रखना n रेवोल्यूशंस पर मिनट फ्रीक्वेंसी दी हुई है, उसे तुमको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा। टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन इट इज एट लोएस्ट पॉइंट। तो पहले तो बच्चे को ये ध्यान में आना चाहिए कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है, दूसरा कि फ्रीक्वेंसी को तुमको हर्ट्ज में कन्वर्ट करना है। अब टेंशन क्या होता है लोएस्ट, देखो मैंने फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट कर लिया है यहाँ पे n बाय 60। लोएस्ट पॉइंट में टेंशन क्या होता है, mg प्लस mr ओमेगा स्क्वायर, m को कॉमन लिया और रेडियस इज सेम एज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ओके। ये हाँ, अब ओमेगा को 2πf लिख दिया और एफ तो n बाय 60 है, सब्सटीट्यूट कर लो, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये रिपीट क्वेश्चन है, ये शायद 90s में पूछा गया है, मतलब शायद 99 का क्वेश्चन है ये ओके। 99 में इंजीनियरिंग में नहीं होती थी, सीटी सिर्फ मेडिकल में होती थी, बट उस समय ये पूछा गया था शायद। द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी
ऑफ अ बॉल प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा, मतलब ये पक्की बात है कि प्रोजेक्टाइल मोशन का ट्राइजेक्ट्री है, y इज इक्वल टू रूट थ्री एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, मतलब यू ढूंढना है। देखो हमारा जनरल इक्वेशन क्या होता है, x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय टू यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो tan थीटा रूट थ्री आ गया, और अगर tan थीटा रूट थ्री तो थीटा सीधा 60, राइट। अब देखो इसको और इसको कंपेयर कर लो, इसको और इसको कंपेयर करोगे तो पता चलेगा यहाँ डिनोमिनेटर में 2 है, यहाँ डिनोमिनेटर में 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इनका न्यूमिनेटर तो सेम है, राइट। तो अगर कंपेयर करोगे तो आंसर ये आएगा, ठीक है। और थीटा हम जानते हैं 60, सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर लो, यू की वैल्यू आ जाएगी, यू इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्रोजेक्टाइल्स ए एंड बी आर थ्रोन विद वेलोसिटीज रूट टू वी एंड वी, दे हैव द सेम रेंज, रेंज दोनों की सेम है, बस ये इंपॉर्टेंट बात है। ए इज थ्रोन एट 15 विद द हॉरिजॉन्टल, तो बी की क्या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, ठीक है। रेंज दोनों का सेम है ना, ये मैंने डेटा लिख दिया, रेंज दोनों का सेम है। रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, तो दोनों की रेंज सेम है, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लो, जी तो कैंसिल हो गया, तो अपने आप आंसर आ जाएगा थीटा टू की वैल्यू, थीटा टू 90 आएगा, तो थीटा टू 45, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लेयर कॉट अ बॉल ऑफ मास 120 ग्राम मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 30, तो ये इनिशियल स्पीड है। इफ द कैचिंग प्रोसेस इज कंप्लीटेड इन 0.2 सेकंड्स, ये टाइम टेकन फॉर द, देखो कैच हो गया मतलब पहले बॉल 30 के स्पीड में थी और 0.2 सेकंड के बाद उसकी स्पीड हो जाएगी 0, क्योंकि रुक जाएगा हाथ में आके, राइट। द फोर्स ऑफ ब्लो एग्जर्टेड बाय द बॉल ऑन द हैंड्स ऑफ द प्लेयर, तो बहुत ही आसान है, मुझे फोर्स निकालना चाहिए, फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल निकाल लेता हूँ। फोर्स की फॉर्मूला होती है एम ए, या एम इंटू ए को लिख सकते हैं वी माइनस यू बाई टी, एम ए को वी माइनस यू बाई टी लिखा मैंने, मुझे बॉल की यू पता है, वी पता है, टी पता है, एम पता है, तो मुझे फोर्स ऑन द बॉल मिल गया, और वो आंसर। इसमें एक बात याद रखना, ये 120 ग्राम में गड़बड़ नहीं कर लेना, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेना, राइट, तो ही आंसर न्यूटन में आएगा। तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मैंने यहाँ 1000 से डिवाइड कर रखे हैं, तो फोर्स ऑन द बॉल माइनस 18। देखो बाय न्यूटन्स लॉ फोर्स ऑन द बॉल विल बी अपोजिट टू दैट ऑफ द फोर्स इन द हैंड, जो बॉल पे फोर्स लग रहा है हाथ पे उसका उल्टा फोर्स लगेगा, तो फोर्स ऑन द हैंड कैसे निकाला मैंने, 18 न्यूटन बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, ओके, तो ऑप्शन बी इज द आंसर। और इसी के साथ हमने मोशन इन प्लेन के सारे PYQs 2022 के कर लिए, ओके, सो थैंक्स। ये मैंने शायद गलत लिख दिया, सब जगह पे 2023 जो लिखा है वो गलत है, ये 2022 के PYQs है, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।